हाय गाइस, वेलकम टू द फर्स्ट रिव्यू ऑफ 2021। हैप्पी न्यू ईयर। सबसे पहले तो मेरा नाम है शुभम और मेरे साथ है राजेश। जी हाँ, इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती थी। मतलब जो इच्छा तुम पूरे साल करते रहे वो तुम्हारी अगले साल के पहले रिव्यू में ही पूरी हो गई। इससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि 2021 कितना अच्छा है और 2020 कितना खराब था। एटलीस्ट तेरे लिए तो है, जेन में थिंक अदरवाइज, बट वही है, हमने उनको शो से ऐसे ही बाहर निकाल दिया है गाइस, जैसे ट्रंप मैक्सिकन्स को निकालना चाहता था अमेरिका से, और अभी अमेरिकन्स चाहते हैं उसको व्हाइट हाउस से निकालना जैसा एकदम अब उनकी लाइफ का एक ही मकसद है, सबको देश घुमाएंगे वो। हाँ, अब वो जैन नहीं रहे जो रिव्यू करते थे, अब उनको चाहिए सिर्फ ट्रैवल व्लॉगिंग। शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की जो बड़ी न्यूज़ रही। सबसे पहले एक तो ये है कि वैक्सीन इंडिया में आई तो उस पर लेके लोगों ने बताना शुरू कर दिया कि इतनी असली है इतनी नकली, और वैक्सीन लगवाने के बाद खड़ा होना बंद हो जाएगा, वैक्सीन लगवा लोगे तो बुड्ढे हो जाओगे, वैक्सीन लगवा लोगे, अबे तुम्हारा साले वैक्सीन के पहले जो दिमाग चलना बंद है उसके कुछ तुम पहले इलाज करवाओ। जो सबसे ज्यादा बदला लेने के मूड में लग रहे हैं वो लग रहे हैं भाई ट्रंप के सपोर्टर, वो जाके चढ़ गए पार्लियामेंट की बिल्डिंग पे कि नहीं हम हमारे बंदे को तुम प्रेसिडेंट नहीं बनाओगे तो हम यहाँ तोड़फोड़ मचा देंगे। और ये वैसे सही भी है राजेश, एक तरीके से ना काफी सही है यार। मतलब अब तुम्हारा नेताओं से दिक्कत है, जाओ पार्लियामेंट में, हमारे वाले साले सड़के हमारी सड़कों पे वो गाड़ियां जला देते हैं हमारी। चाइना में सरकार की कोई बात अच्छी नहीं रहेगी तो बिजनेसमैन गायब हो गया, और इंडिया में बिजनेसमैन को सरकार की कोई बात अच्छी ना लगे तो सरकार गायब हो जाती है। तो बात करते हैं फिल्म की जिसका आज हम रिव्यू करने वाले हैं। देखो ऐसा कुछ आया नहीं जिसका हम रिव्यू करें। अब मैं बैठे यार, जोड़ी आके बैठी है तो कुछ खास ही होना चाहिए था, तो हमने सोचा कि रिव्यू करा जाए अपनी ऑल टाइम फेवरेट मूवी का। शुभम, 90s के दिनों की सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म मोहरा, जिसके अंदर एक्शन है थोड़ा सा घटिया है, कॉमेडी है थोड़ी सी घटिया है, रोमांस घटिया है, गाने लेकिन सारे के सारे सुपरहिट हैं। इन सब पे तो हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन भर भर के इस फिल्म के अंदर तो हमने सोचा क्यों ना भैया साल की शुरुआत इसी फिल्म के रिव्यू से की जाए। ये तो आपने लाख रुपए की बात कही है। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की कास्ट की, जो सबसे बढ़िया चीज मुझे लगी पूरी फिल्म में। जी हाँ, 90s के जितने बड़े एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस थे सबको इस फिल्म के अंदर ले लिया गया है। इसमें सबसे ऊपर नाम आता है अक्षय कुमार साहब का, जो 90s में भी देशभक्त थे तब भी वो बनते थे एकदम ईमानदार पुलिस ऑफिसर, इंस्पेक्टर अमर सक्सेना इस फिल्म के अंदर। उनके पापा का नाम है करण सक्सेना और उनका अमर सक्सेना, ये मोर लाइक राजेश की फैमिली की, जहाँ बेटे का नाम ज्यादा अनुकूल है और पापा का कूल है। ये तो है। अच्छा सॉरी यार, मैंने दुखती रक्त पे हाथ रख दिया, सॉरी। मैं नाम चेंज करने वाला हूँ गाइस, मेरे को वो नीचे कमेंट बॉक्स में नाम बताओ क्या रखना है, भड़वा छोड़ के बताना चलो, मुझे पता है यही लिखो, नाम चेंज करने वाला कूल नाम रखूंगा। इसके अलावा अक्षय कुमार हैं साथ में, तो सुनील शेट्टी तो होंगे ही, सुनील शेट्टी भी हैं और बॉडी बना के वो अपना फुल चीखम चिल्ली कर रहे हैं। उनके कैरेक्टर का नाम क्या है, विशाल अग्निहोत्री। उनका नाम काफी बढ़िया लगा मुझे, विशाल अग्निहोत्री। दो हीरो हैं तो एक हीरोइन भी होनी थी, वो हीरोइन है रवीना टंडन, और उनके कैरेक्टर का नाम क्या है राजेश, रोमा। मैं हीरोइन से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इनकी तिगड़ी को पूरा करने वाला किरदार परेश रावल भी है इस फिल्म में। हाँ, मतलब अक्षय कुमार सुनील शेट्टी है तो परेश रावल होंगे तो मजा तो आएगा ही। काशीनाथ साहू वो बने हुए हैं यहाँ पे। रवीना टंडन का काफी एकदम, अब लड़की है सुंदर है, और नाम को भी अगर थोड़ा सा प्रीमियर कर दिया जाए तो क्या रखे, रोमा, इटालियन नाम उनको गाइस दिया गया है। मेकअप उनको एकदम बुध बाजार वाला दिया गया है, लेकिन नाम एकदम इटालियन दिया गया है। उनको कपड़े भी वैसे दिए गए थे। बोलते हैं कि कपड़े मेकअप बुध बाजार, लेकिन नाम इटालियन, रोमा। रोमा के पापा बने हैं जेलर साहब कुलभूषण खरबंदा, अपने बाऊजी, यस बीना के दीवाने बाऊजी जो हैं। बाऊजी के और भी बच्चे हैं। अक्षय कुमार जिन पुलिस वालों को रिपोर्ट, मतलब जिन सीनियर ऑफिसर को रिपोर्ट करते हैं वो अपने वही हैं सदाशिव अमरापुरकर। जब अक्षय कुमार के पापा थे तब वो इंस्पेक्टर होते थे, और फिर अक्षय कुमार के आते आते वो कमिश्नर बन गए। अब पता नहीं ये साले आईपीसी की कौन सी धारा लगी है कि आदमी का प्रमोशन होके इंस्पेक्टर से सीधा कमिश्नर बन गया बिना आईपीएस दिए, या कौन सा ऐसा बहादुरी का काम किया है उसके ऊपर अलग फिल्म बननी चाहिए अगर कुछ किया है तो। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज, वो हम देखना चाहेंगे कि सदाशिव अमरापुरकर ने क्या किया था मोहरा फिल्म के अंदर कि वो इंस्पेक्टर से सीधा प्रमोशन होके कमिश्नर बन गए। कमिश्नर, बट अब इतने सारे हीरो हैं अच्छी साइड के लोग हैं तो विलेन तो हो रही थे, और इस फिल्म के अंदर उस जमाने के दोनों बड़े विलेन को कास्ट कर लिया गया, एक तो रजा मुराद, इस वक्त गुस्सा पी जाने में ही समझदारी है, जिब्रान। हाँ, और ये भी दिखाया गया है बड़ा सोच समझ के कि क्राइम की दुनिया में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं, सिख तो वैसे कोई नहीं है, सब भाई भाई है, हिंदू मुस्लिम और ईसाई जरूर दिखाए गए हैं कि एक ईसाई वो है टायसन के बाल पूरे सफेद हैं,
और टायसन का छोटा भाई भी है, मतलब टायसन के साथ सारे ईसाई लोग काम करते हैं, जिब्रान के साथ सारे मुसलमान लोग काम करते हैं, जिब्रान का छोटा भाई है, भांजा है, तो ये सब लोग हैं जिब्रान के गैंग में। और इनके ऊपर हैं जिंदाल साहब, जो कि एक काले चश्मे के पीछे अपने अंधेपन का ढोंग छुपा रहे हैं, लेकिन असली में वो बेसिकली क्या करते हैं कि जो देश के युवाओं की रगों में नशा फैलाया जा रहा है उसके पीछे वही है। मतलब वो बॉलीवुड है एक तरह से। ही इज द पर्सन एनसीबी नीड्स टू इंटरोगेट। जिब्रान बने रजा मुराद, टायसन बने गुलशन ग्रोवर और जिंदाल साहब बने नसीरुद्दीन शाह। ये होगा इस पिक्चर के विलन। फिल्म का प्लॉट शुरू होता है वहां से कि भाई साहब एक अमीर लड़की है, यहाँ एक जेल है बेसिकली, जेल के अंदर एक खूंखार अपराधी को लाके बंद किया गया है, और इस जेल के जो जेलर है वो कुलभूषण खरबंदा है, और उनकी बेटी उनको आगे सरप्राइज देती है, और ऐसे एक क्रिंजी सी पापा बेटी वाली लाइन होती है कि बेटी आज का दिन हमारे साथ बिताओ, कल काम कर लेना। काम उनको बेसिकली ये करना है कि वो मैगजीन में असिस्टेंट एडिटर हैं, 21 साल की उम्र में एक तो राजेश वो असिस्टेंट एडिटर बन चुकी है, थू है तुम्हारे ऊपर कि तुम 28 में कुछ नहीं अचीव कर पाए हो। मैं मुंह पर करके थू ही लेता, मुझ पे आएगा थू। और ना वो 21 की तब हुई नहीं थी, 21 की तो फिल्म में बर्थडे का मनाया उसका, तब वो 20 की थी। हाँ, उसका और हाँ, मतलब शी इज 20 येट टू बी 21 एंड बिफोर 21 शी इज ऑलरेडी असिस्टेंट एडिटर ऑफ अ मैगजीन, और अच्छी खासी मैगजीन है वो, ठीक है, जिंदाल साहब चला रहे हैं उस मैगजीन को। तो कहते हैं कि मैं जेल का टूर करना चाहती हूँ पापा, मैं जेल के ऊपर आर्टिकल लिखना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने सुना है सबसे पुरानी जेल है देश की। जेलर साहब की बेटी आती है, अब उसे तो पता नहीं है कौन है, वो कहता है कि और किचन में होते हैं लोग, और वो सवाल भी इतने कर रही है कि उसके साथ उसे सजा तो मिलनी चाहिए थी, लेकिन ये सब नहीं होना चाहिए था उसके साथ। आग जल रही है तो ये भट्टी किस लिए, ये भट्टी किस लिए, और जबकि पीछे दो बंदे रोटी बना रहे हैं। अरे बहन जी पे रोटी बन रही है, दिख रही है, आंखें तेरी खराब है कि जिंदाल साहब की खराब है। अब ये सब इसके साथ हो रहा है, तभी ये बंदा आता है नंगा और कहता है आज खाना नहीं खाऊंगा, आज तो इसको खाऊंगा, और भाई उस पर चढ़ जाता है और एक बड़ा ही वहशी रेप सीन अटेम्प्ट करता है फिर वो। ये इस फिल्म की खासियत भी है दोस्तों कि इस फिल्म में जितने भी फीमेल कैरेक्टर्स हैं, एक बार तो इनफैक्ट परेश रावल भी फीमेल बनते हैं, तो उनके साथ या तो रेप हुआ है या अटेम्प्ट तो हुआ ही है। फीमेल कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन ही रेप सीन से है भाई। खैर इस पे रेप अटेम्प्ट होता है और तभी आता है जेल का एक और कैदी इसे बचाने, और वो कैदी है सुनील शेट्टी। और भाई लड़की वही है कि उनके प्यार में तो नहीं पड़ती, लेकिन उनको उनकी कहानी में इंटरेस्टेड हो जाती है कि फ्रेंड जोन कर देती है यार। अबे हाँ, एक तो किसी ने जान बचाई है और कहती है कि तुम्हें मैंने दोस्त मान लिया है, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। अब जैसी लड़की फ्रेंड बोल देती है, अरे टेक्स्ट करने का मन नहीं करता, पूरी कहानी कौन सुनाए, तो सुनील शेट्टी है कि मुझे छोड़ दो अकेले, मुझे कुछ नहीं बताना, बट जैसे तैसे कन्विंस करती है। सुनील शेट्टी अपना पास्ट बताते हैं, बहुत खूबसूरत रंग थे मेरी जिंदगी में। जीवन ऐसे कौन बताता है यार अपना सीधा कि तुम्हारी लाइफ में क्या हुआ है मुझे बताओ। अगर अब मैं जंगल में गाता था, ना कजरे की धार ना मोतियों का हार, और सोच उसने 2.5 किलो का मेकअप किया हुआ है, उसके चेहरे पे अलग से दिख रहा है, और कह रहे और उस पर क्या बोल रहे, ना कजरे की धार ना कोई किया श्रृंगार, कोई श्रृंगार नहीं किया, साले अलग से दिख रहा है, कितना श्रृंगार किया हुआ उसने, लग रहा है नायिका के सारे कूपन कोड लगाए हैं एक ही दिन के अंदर। खुद तो ये जंगल में सेक्स करते हैं, मतलब इतने ओपन माइंडेड है, और इनकी साली छोटे कपड़े पहन के जाती है, तो बीबी जो है वो उस पर तंज कसती है। ये जैसे कि स्विमिंग कॉस्ट्यूम। वो मतलब ये सच ही है कि फेमिनिज्म तो जो होगा होगा, लेकिन महिलाओं को नीचे गिराने में रोल भी महिलाओं का ही ज्यादा है। इस लड़की को दिखाना है कि अरे थोड़ी सी लिबरल है ये, तो जैसी कॉलेज में एंट्री होती है, चार लड़के इसको देख के ये मुंह बनाने लगते हैं आड़े से लड़की, और उनका ये कि इसकी चाहिए भाई, यही है भाई उन चारों का, उनको उतना क्रीपी दिखाया है। वो बोलते ऐसे कि आज तो दिन बन गया इसको देख के, रीटा के चक्कर में आजकल नींद नहीं आ रही। अब वो कहते हैं कि मिलेगी कैसे, तो कहते हैं कि इसका बॉयफ्रेंड है टोनी, तो बर्थडे पार्टी में अपनी इनवाइट करते हैं। टोनी को बोलते हैं कि तेरे को देंगे नशे, बदले में चाहिए तेरी बंदी, और टोनी तक एग्री भी कर जाता है इस बात पे। टोनी को आते ही वो बोलते हैं कि वाह तू इसको ले आया, हाँ। पार्टी में जान आ गई, हाँ। वाह टोनी खुश है इस बात पे। क्या बात है। टोनी को मिलती है पुड़िया, और टोनी का साले का देख के मुंह में से पानी टपक जाता है। टोनी तो पगला जाता है, पुड़िया लेता है, कमरे में जाता है, अपनी खोलता है, और इतने गंदे तरीके से ड्रग्स लेता है साला। ये भाई उसके साथ सारे गलत काम करते हैं, उस बिचारी की हो जाती है डेथ। और तो भाई यार क्या एक्टिंग करी है इन चारों ने। यहाँ पे रेप सीन चल रहा है, लड़की अपनी जान बचा के आगे भाग रही है, चारों अपनी हवस लेकर चेहरे पर उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, गंदे गंदे एक्सप्रेशन दे रहे हैं, लड़की पानी में गिर जाती है, और सबका ऐसा है कि मतलब अपनी हवस को दिखा रहे हैं, और एक लड़का उस हवस में यूं कर रहा है, क्या मतलब है। ये कौन सी एक्टिंग, कहाँ सीखी है एक्टिंग, कौन से ड्रामा स्कूल ये एक्टिंग सिखा रहे हैं।
डायरेक्टर ने कहा कुछ गंदा करो कुछ गंदा करो, उसने कहीं देखा उन्होंने ये शुरू कर दिया कुछ अपने कुछ अपनी एक्टिंग से भी गंदा करो, तो उसने कहा कि ये कैसा रहेगा। उसके बाद ये होता है कि वो साले अभी एक रेप किया उन्होंने, जैसे तैसे बचे हैं, पैसे खिलाने पड़े, लेकिन वो है भाई पक्के हरामी, वो कह रहे हैं इसकी बहन के साथ भी गलत करेंगे, और करने जाते हैं। बेचारी लड़की क्या करती है, खुद को चाकू मार लेती है, सुनील शेट्टी की वाइफ। अब सुनील शेट्टी को गुस्सा आ जाता है, सुनील शेट्टी इसका पूरा बदला लेने के लिए जाते हैं और चारों को खत्म कर देते हैं, वो भी उसमें किड्स पार्क में, पूगर टाइप जगह में। ये पूरी कहानी सुन के मिस रोमा कहते हैं कि नहीं तुम तो रिहा होने चाहिए, और रिहा कैसे होते हैं भाई, एक कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर जस साहब इतने दिखाए, पहले उन्होंने नशेड़ी टोनी की हाँ मान ली, अब नशेड़ी टोनी की ना भी मान ली। अबे भाई कैसे जस साहब हो तुम, 6-7 साल की सजा तो जस साहब को होनी चाहिए इतने गलीबल होने के लिए। बट एनीवे अभी इनको रिहाई मिल जाती है, और फिर ये जिंदाल साहब के एहसान तले दब जाते हैं। तो जिंदाल साहब क्या करते हैं, इन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, इन्हें कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि शहर के जो सारे बड़े दुश्मन हैं तुम्हें इनको खत्म करना है। उसका रीजन वो देते हैं क्योंकि ये सब क्या है, ये सब नई जनरेशन के अंदर जहर घोल रहे हैं, मतलब ड्रग्स का वो कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। और फिर उसको अपनी वो दिखती है कि मेरी साली को भी ड्रग्स दिया था इन्होंने, तो फिर वो वहाँ पे पिघल जाता है अपना विशाल अग्निहोत्री। उससे पहले वो मना करता है, नहीं जिंदाल साहब मैं नहीं कर सकता। तो गैंग्स के बीच में एक वॉर शुरू हो रही है, और साथ ही साथ अब रोमा भी एक पार्टी में मिलती है, अमर सक्सेना नहीं, रोमा अमर सक्सेना से कैसे मिलती है, रोमा अमर सक्सेना से विशाल अग्निहोत्री की केस की फाइल लेने आई है, अमर सक्सेना से च्युइंगम चबाते हुए फालतू का सीड्यूसिंग एक्सप्रेशन दे रही है। रवीना टंडन थ्रू आउट मोहरा, किसी के दवाई लगानी है तो ये तो बात है, दवाई वाला तो फाइल मांग, अरे दवाई वाला भी, फाइल मांगनी है तो ये च्युइंगम चबा के जबरदस्ती का सीड्यूस करना। उनको कह रही है कि तुम्हें इस केस से क्या मिलेगा, मिल तो गया। हाँ, अरे ये क्या तरीके हैं, इतने में इनकी शादी भी हो जाती है, वो मतलब इनकी एंगेजमेंट भी हो जाती है, वो अलग क्रिंज सीन है भाई। वो सीधा सीधा तुमको रिंग पहनानी है, उसमें भी इतने ज्यादा सिडक्शन के साथ दोनों रिंग निकालते हैं ना, और रिंग निकाली। और अब हमें ये भी समझ में आ चुका है कि भाई जिंदाल साहब की नजर शहर के क्राइम पे तो है कि पूरा कंट्रोल में ले लूं, उनकी नजर कहीं ना कहीं रवीना टंडन पे भी है। इन खूबसूरत होठों पर अपने प्यार की मोहर लगा देना चाहता है। अब विशाल और अमर के बीच भी कंफ्यूजन होती है, और वो कंफ्यूजन अगेन रवीना टंडन की वजह से होती है, क्योंकि विशाल पिट के आया है तो रवीना टंडन को बस उसकी ड्रेसिंग करनी है, दवाई लगानी है, उसके माथे में थोड़ी चोट लगी है, दवाई लगानी है, यहाँ से खून निकल रहा है। अब दवाई तो इंसान कैसे भी लगा सकता है, लेकिन वो जो लगाती है रवीना टंडन है, यही है। अरे दवाई लगा रही है, क्या कर रही है। इसके बाद तो जिंदाल साहब की बर्थडे पार्टी होती है, जहाँ जिंदाल साहब पहली बार ठरक दिखाते हैं रोमा की तरफ पब्लिकली, और अक्षय कुमार फिर गाना गा रहा है, काश के ऐसा होता दो दिल होते सीने में, भाई एक दिमाग होता इस कल में तो ज्यादा बढ़िया रहता, तू आधे घंटे में केस सुलझा लेता, सीने में दो दिल चाहिए इसको, ये नहीं मान रहा कि ये खोपड़ी में एक दिमाग दे दे भगवान, मेरे पास वो नहीं है। एक एंडिंग सीन है जहाँ पे ये अपने जिंदाल साहब लड़की को भी उठा लाया, और एक बहुत हाई प्रोफाइल मीटिंग होने वाली है बहुत सारे गुंडों की, जहाँ बिजनेस की बातें होंगी, डील होगी। तो भाई वहाँ जो उन्होंने हिंदुस्तान दिखाया है, वहाँ एक साउथ इंडियन भी है, वहाँ सरदार जी भी है, वहाँ पठान जी भी है, और मतलब पूरी गैंग ऐसी दिखाई है कि हिंदुस्तान के हर एक शहर से मैं एक गुंडा लेकर आया हूँ। और एक हैप्पी देश दिखाया उन्होंने वहाँ पे, बड़ा मजा आया देख के भाई। लोग लड़ते होंगे तो लड़ते होंगे, क्रिमिनल्स आर यूनाइटेड। यस, टॉकिंग ऑफ द थ्री थिंग्स वी लाइक्ड अबाउट द फिल्म, एक तो मैं कहूँगा फिल्म के अंदर बक्सी तो भर भर गया, मतलब अगर आप इसे देखोगे ही बक्सी के पर्सपेक्टिव से तो फन एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। उस जमाने के गाने सारे अच्छे थे, तो दैट्स द सेकंड थिंग। बाकी तीसरी चीज़ तो मतलब और तो मुझे कुछ अच्छा लगा नहीं। क्यों राजेश, कास्ट में बोला ना मैंने, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल, इन तीनों को देख के अच्छा ही लगता है, तो वो अच्छा लगा बस। बड़े थ्री थिंग्स वी डिसलाइक, डेफिनेटली एक तो वही महिला कैरेक्टर्स को जिस तरीके से दिखाया गया है, भाई रवीना टंडन सबको सीड्यूस कर रही है, या कोई और महिला कैरेक्टर है तो वो किसी की रखेल है, पुलिस डिपार्टमेंट इतना। और भाई सोचो, पूरी का पूरा ड्रग कार्टेल जब कोलंबिया से खत्म किया था अमेरिका ने, तो कितनी बड़ी फोर्स लगी थी, पूरा DEA लगा था, और यहाँ पे 5 ऑफिसर्स ने खत्म कर दिया, कमिश्नर साहब, अमर सक्सेना, परेश रावल, वो मैं क्या करते हैं, और एक रवीना टंडन, इन 5 लोगों की फोर्स ने पूरा ड्रग कार्टेल साफ कर दिया। और आज तो मैं बोलना भी नहीं है, 3 of us, जस्ट 2 of us, आज काफी अच्छा लगा हमें बिना जैन के, बहुत मजा आया हमें, तुम तो मुझे तो वाकई बहुत मजा आया,
हाँ, अरे इनको भी मजा आया भाई, तेरे को शुरुआत में चाहते थे हम ले आए, अब किसी को तो जाना पड़ेगा तो जैन को जाना पड़ा। अब आप चाहते हैं कि ये यही नियम कायदे बरकरार रहे, तो प्लीज कमेंट करें, हम तो चाहेंगे कि ये ऐसा ही रहे। हम आपसे मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब तो बस भाई 11,000 सब्सक्राइबर ही रह गए, दुनिया में थूथू होने लगी, मजाक उड़ाने लगा है हमारा। अरे यही वाले उड़ाते हैं यार, ये नहीं सब्सक्राइब कर जाए, वो मीम बना बना के लिखते रहते हैं तुम्हारे कभी नहीं होंगे, तुम्हारे कभी नहीं होंगे। अबे तुम ही तो करोगे, हमें थोड़ी अपने आपसे 11,000 अकाउंट बनाने हैं, तो करो। चलो ठीक है, सी यू गाइस। आई एम वेरी होपफुल कि जिस स्पीड से रिकवरी रेट्स हो रहे हैं, वी विल गेट देयर। मेरे को पता नहीं है कौन से कोविड की बात कर रही है, क्योंकि कोविड ने कभी एक नया ऐसे एक रूप लिया है एंड वो अब फैल रहा है। यहाँ पे दिल्ली में भी नए केसेस थे उस चीज के,